हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ग्रीनरी। आज मैं बात करने वाली हूँ कि थायराइड में कौन सी एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और इस एक्सरसाइज को करने से आपका थायराइड लेवल बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। और मैं यही एक्सरसाइज परमानेंटली करती रहती हूँ। जब भी ये एक्सरसाइज ऐसा है कि जब भी आपको टाइम मिले, दिन में कभी भी आप इसको कर सकते हो और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी इसको आप कर सकते हो, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर एक्सरसाइज करना मना हो जाता है, योगा करना मना हो जाता है, लेकिन ये एक्सरसाइज आप उस टाइम पे भी कर सकते हो और मैं करती भी थी। तो आपका थायराइड का लेवल जो है वो हमेशा कंट्रोल में रहेगा और लेवल उसका बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं। तो आप एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हो। चलिए मैं बताती हूँ कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है। ये बहुत ही आसान है, सिर्फ दो ही एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। एक तो है कि आप अपने, जैसे हमारी थायराइड को जो ग्रंथि होती है वो हमारे गले में होती है, यहाँ पे होती है गले में, तो गले की ही एक्सरसाइज हमें करनी है। कौन सी एक्सरसाइज करनी है, यानी अपनी इस गर्दन को पीछे ले जाइए, कम से कम 5 मिनट के लिए ऐसे करके छोड़ दीजिए। फिर स्लोली स्लोली इसको नीचे ले आइए ताकि यहाँ पे खिंचाव पड़े। जैसे गले का जो एक्सरसाइज है थायराइड का, यहाँ पे खिंचाव होना चाहिए। जब खिंचाव होगा तो हमारा जो ये थायराइड का ग्रंथि है, इसमें ये जो हार्मोन्स नहीं बनने देता है, उस कमी को ये दूर करने का काम करता है। तो इस वजह से इसको हमें जब भी आपको टाइम मिले तो आप 5 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए, शुरुआत में थोड़ा दर्द होता है लेकिन धीरे धीरे जब आप रेगुलर वे में ये करने लगोगे तो आपको खुद ही इसका रिजल्ट महसूस होगा और आपको आसान भी लगेगा ये करना। तो आपको स्लोली स्लोली करके आपको ये अपनी गर्दन को पीछे ले जाना है और कम से कम 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिए ताकि आपको ये लगे कि यहाँ पे कुछ खिंचाव जैसा हो रहा है। और फिर स्लोली 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 आपको ले आना है। एक ये एक्सरसाइज हो गया। दूसरा एक्सरसाइज आपको क्या करना है कि अपने हेड को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जितने टाइम्स आप कर सकते हो इसको करना है आपको। यानी आपको अपने गले को, हेड को जो है, जिससे ये गले पे इसका असर पड़े, देखिए जैसे ये है ना, देखिए गले पे असर पड़ रहा है, इसको आपको क्लॉकवाइज पहले आपको कम से कम 15 बार करिए। तो 15 बार मैं पूरा आपको नहीं बता रही हूँ, आप जब करोगे तो आपको खुद ही महसूस होगा। 15 बार कम से कम इसको क्लॉकवाइज ले जाइए और फिर एंटी क्लॉकवाइज इसको आप 15 टाइम्स कर सकते हो। और चारों तरफ ये मूवमेंट अच्छे से होना चाहिए जिससे इसका असर इस गले पे हमारे पड़े, इस थायराइड की ग्रंथि पे पड़ना चाहिए ताकि इससे हमारा जो हार्मोन्स का लेवल घटने बढ़ने का है वो मेंटेन हो सके, कंट्रोल में रह सके। तो ये दो एक्सरसाइज ही आपके थायराइड में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, जो कि मैं रेगुलर वे में करती हूँ। जब प्रेगनेंसी थी उस टाइम पर भी मैं करती थी और प्रेगनेंसी नहीं भी है तब भी मैं करती हूँ। और मैं आपको पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि जब मुझे थायराइड बिगनिंग से ही मुझे 25 mg मैं लेते आ रही हूँ। और मैं आपको ये भी बताई हूँ कि थायराइड जिसको हो जाए उसको कभी भी मेडिसिन स्किप नहीं करनी है, कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। कि थायराइड का लेवल बहुत अच्छा हो गया है, नॉर्मल हो गया तो मेडिसिन छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर के बिना सलाह लिए आप मेडिसिन छोड़िए नहीं, और हमेशा आपको मेडिसिन इसका लेते रहना है। नहीं तो आपका शरीर में अचानक से कुछ वज़न बढ़ सकता है, कोई बीमारी हो सकती है। तो बिना डॉक्टर को दिखाए हुए अगर आपका थायराइड नॉर्मल भी रिपोर्ट में भी आता है तब भी आप डॉक्टर को दिखाइए, अगर वो मेडिसिन छोड़ने के लिए कहते हैं तो छोड़िए। लेकिन मुझे अभी तक ऐसा, मेरा थायराइड नॉर्मल है तब भी डॉक्टर का ही ये कहना है कि आपको मेडिसिन कभी भी स्किप नहीं करना है और इससे कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी, क्योंकि थायराइड एक बार जब शरीर में हो जाता है तो वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो इस वजह से आप ये एक्सरसाइज दोनों करिए तो आपका थायराइड बहुत ही अच्छे से कंट्रोल में रहेगा। और साथ में मेडिसिन लीजिए। बाकी मैं सब कुछ खाती पीती हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं अवॉइड करती हूँ। हाँ, थायराइड के लिए जो नुकसानदायक है उसको हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी कम करके खा लेती हूँ, लेकिन बिल्कुल ही कुछ खाने पीने में स्किप नहीं करती हूँ। जो चीज़ नुकसानदायक था वो प्रेगनेंसी में बिल्कुल मैं
अवॉइड कर दी थी क्योंकि उस टाइम बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा डर था। लेकिन अब मैं अपनी टैबलेट लेती हूँ और साथ में ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बताई हूँ करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, और मैं सब कुछ खाती पीती हूँ। तो आप भी ये दोनों एक्सरसाइज अपने लाइफ में, अगर आपको थायराइड है तो अपनाइए और इसका फ़र्क देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी जो मेरे एक्सपीरियंस है हर चीज़ को लेके मैं आपके साथ शेयर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।